काला में जानते हैं कि कितना उल्लेख किया है। कौन चोर है, कौन चोर है? लालू यादव चोर है। कौन चोर है? लालू यादव कैसे चोर है? चोर है अर्जरी चोर। टोटल कांग्रेसी चोर, उसके गठबंधन का सब के सब चोर, सब अपने स्वार्थ के लिए। हाजीपुर से आरजेडी से लालटेन छाप से शिवचंदर राम है और हमारे एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान जी है। तो चिराग पासवान भैया जिंदाबाद। मतलब शिवचंदर राम जी का कोई मतलब कुछ नहीं लग रहा है। विपक्ष का कह रहा है कि बिहार से सीट नहीं मिलेगा। जीरो बटा सुनना था। एक समय लालू यादव बोले कि 40 सीट लेंगे, लेकिन क्या मिल गया हमको? नहीं मिला, एक नहीं मिला। इनकी बिहार से 40 का 40 सीट मिल रहा है। नहीं मिलेगा। नाम है कि मोदी जी के वजह से महंगाई हो गया। सुनिए पहले सवाल, सुनिए सवाल, सुनिए कि जो 40 रुपए पेट्रोल मिलता था वो 100 रुपए मिल रहा है, जो 400 का सिलेंडर है वो 1000 का मिल रहा है। तो मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दिया, इस पर क्या का नाम है? लेंगे 50,000 का है ना, हो जाए ऐसा लगता है। समय था कि लोग गैस के लिए सोचना पड़ता था। आज घर घर मिल रहा है, जो भी महंगाई हो शांति से तो मिल रहा है, घर में जाकर पहुंचाया जा रहा है। पेट्रोल और पेट्रोल महंगा हुआ है तो हम खरीदे, उनका क्या सीना फट रहा है? सीना फट रहा है उनका, क्यों सीना फट सीना फट रहा है? मोदी जी को अगर कहने का मतलब, अगर मोदी जी को अगर तीसरी बार मौका दिया जाए तो क्यों नहीं युवाओं युवा लोगों का ये आवाज बने कि इस बार बेरोजगारी को खत्म किया जाए? पहला नंबर की सुनिए, बेरोजगार तो है नहीं, बेरोजगारी नहीं है। जिसको हुनर है तो कदर है। हमारे पास हुनर है तो हम कमा रहे हैं। अभी भी 40,000 का महीना कमा रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाजीपुर के कुतुबपुर के बहुत बड़े मैदान में से गरजते हुए हमारे बिहार के आरजेडी सरकार तेजस्वी यादव को खूब सुनाए और कांग्रेसियों पर भी खूब बरसे हैं। हमारे साथ हमारे चाचा भाजपा का झंडा लेकर एकदम घूम रहे हैं। क्या कहते हैं, आपको मोदी जी से मुलाकात हुआ है? दूर से देखिए, दिल से देख लिया, मुलाकात हो गई। तो क्या लगता है इस बार मोदी जी का जो एकदम लहर है, हर हर मोदी घर घर मोदी, 400 पार एकदम 400 पार है चाचा? बिल्कुल 400 पार है, बिल्कुल 400 पार। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि मोदी जी? 40 सीट से नीचे आ रहा है वो, कहाँ से? मोदी जी राहुल गांधी का नहीं, ऐसे ही नहीं बन सकते। राहुल गांधी को एक बार मौका देना चाहिए। मोदी चाहिए क्यों? राहुल को नहीं दे सकते, पप्पू है राहुल गांधी, पप्पू है राहुल गांधी, पप्पू है जी। मोदी जी को मतलब इस बार एकदम लगता है कि प्रधानमंत्री बने? बन गए। हाजीपुर से आरजेडी से लालटेन छाप से शिवचंदर राम है और हमारे एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान जी है। तो चिराग पासवान भैया जिंदाबाद। मतलब शिवचंदर राम जी का कोई मतलब कुछ नहीं लग रहा, जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा जी। रामविलास जी का रिकॉर्ड तोड़ेगा चिराग पासवान। अभी चिराग पासवान जी अभी गरज रहे थे, क्या लगा आपको? बिहारी बिहारी जिंदाबाद। नाम लिखाएगा उनका। लेकिन तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि मोदी जी जो है उनको हटा करके एक बार मौका महागठबंधन को देना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं, कांग्रेस के टाइम में ये सब कुछ नहीं था। कांग्रेस के टाइम में 70 साल जब लोग शासन किया, मतलब किसको देश, आप उसका दुल्हा कौन है? किसका दुल्हा? इंडिया का, महागठबंधन का। महागठबंधन का दुल्हा कौन है? प्रधानमंत्री बने। दुल्हा तो नीतीश कुमार थे, आजकल गायब हो गए। मोदी जी से इतना प्यार क्यों करते हैं? हम लोग हैं, परिवार हम लोग हैं, इनके सीना उनके पास। सुनिए इनके सीना उनके पास। आप कहे मोदी से जिसे क्यों प्यार है? मोदी जी मेरे परिवार की तरह है और हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे दिल में है इसलिए प्यार है। मोदी जी दिल में है, जैसे दो टर्म से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो जैसे विपक्षों का कहना है कि जो मोदी जी जो है उनके वजह से महंगाई बढ़ गया है। मोदी जी सवाल 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 सवाल
एक समय लालू यादव बोले कि 40 सीट लेंगे, लेकिन क्या मिल गया हमको? नहीं मिला, क्योंकि बिहार से 40 का 40 सीट मिल रहा है। एगो सवाल जो मेरा है, जैसा कहा जाता है, जैसे विपक्ष, जैसे विपक्ष का, सुनिए ना, जैसे विपक्ष का जो विपक्ष का कहना है कि मोदी जी के वजह से महंगाई हो गया, सुनिए पहले सवाल सुनिए कि जो 40 रुपए पेट्रोल मिलता था वो 100 रुपए मिल रहा है, जो 400 का सिलेंडर है वो 1000 का मिल रहा है, तो मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दिया, इस पर क्या कहना है? 50,000 कहने हो जाए, ऐसा लगता है 50,000 का पेट्रोल सिलेंडर लीजिएगा। पेट्रोल समय था कि लोग गैस के लिए सोचना पड़ता था, आज घर घर मिल रहा है, जो भी महंगाई हो शांति से तो मिल रहा है, घर में जाकर पहुंचाया जा रहा है। पेट्रोल और पेट्रोल महंगा हुआ है तो हम खरीदे, उनका क्या सीना फट रहा है? सीना फट रहा है उनका, क्यों सीना फट रहा है? फट रहा है सरकार में, उन्होंने चाइना को अपना पीओके में से लद्दाख वाला जम्मू कश्मीर का है कुछ हिस्सा दे दिया, तो उनका नेहरू जी क्या बोले कि हम ये दे दिए अपना, उसमें कुछ नहीं हो रहा है तो दे दिए, वो अपना सर का बाल है को दे दे, अच्छा इस पे जो है बेरोजगारी पे जरा चर्चा करते हैं। जैसा कहा जाता है, विपक्ष कहता है कि जब से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, हमारे भारत में रोजगार की कमी हो गई है, बेरोजगार ज्यादा हो गया, बेरोजगारी ज्यादा हो गई है, तो क्या लगता है सही में बेरोजगारी बढ़ गई है या फिर इसमें किसका दोष है? रोजगार है बिल्कुल, सुनिए रोजगार तो बिल्कुल मोबाइल निर्माता कंपनी में अभी भारत है, तो कोई एक मतलब कहने मतलब है कि मोदी जी को अगर कहने का मतलब है, अगर मोदी जी को अगर तीसरी बार मौका दिया जाए तो क्यों नहीं युवाओं युवा लोगों का ये आवाज बने कि इस बार बेरोजगारी को खत्म किया जाए? पहला नंबर के सुनिए, बेरोजगार तो है नहीं, बेरोजगारी नहीं है, जिसको हुनर है तो कदर है, हमारे पास हुनर है तो हम कमा रहे हैं, अभी भी 40,000 का महीना कमा रहे हैं, तो एक बार क्या कहना है, इस बार 400 मोदी सरकार। बेरोजगारी तो भाग चुका है, अभी इतना बिहार में हमारे जो भी बेरोजगार साथी थे वो अपने मेहनत के बल पर टोटो लेके अपने रोजगार को पा चुके हैं। कोरोना काल में जो दिक्कत हुआ था उसको दूर करने के लिए लोग यहाँ पे टोटो लेके अपने रोजगार को पा चुके हैं, अपने परिवार के साथ 10 रुपए कम कमा रहे लेकिन खुशी से है, शांति से, बेरोजगारी दूर है। मोदी सरकार सबसे बड़ा जो एक सबसे बड़ा अभी मोदी जी भी गरज रहे थे तो लालू यादव जी पर ये सीधा निशाना साधे हैं कि बिहार से जो पलायन हुआ है वो सबसे ज्यादा लालू यादव जी के सरकार में हुआ, इस पर क्या कहना है? इस पर कहना है जो सच में लालू यादव जी के वजह से बिहार से पलायन हुआ, मतलब लोग बिहार से बाहर जाके काम करने लगे, और क्या अब लगता है बिहार से लोग बाहर जाके पलायन करते थे, लेकिन जो झटका लगा कोरोना के मामले में लोगों को बड़ी कठिनाई की सामना पड़ा, लोग यहाँ पे आके, पहले रोड नहीं थी, अभी रोड बना है, रोड के तरह उस तरह का गाड़ी आया है, टोटो है, CNG है, लोग लेके, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, उम्र खत्म है, तो टोटो लेके CNG लेके अपने परिवार को चला रहा है, मस्ती से जी रहा है मोदी सरकार फिर एक बार। और जो एक सबसे बड़ा चीज जो मोदी जी फ्री अनाज दे रहे हैं लगभग, और बोल भी रहे हैं कि अभी अगले 5 सालों तक फ्री राशन मिलेगा, तो जैसे विपक्ष वालों का कहना है कि हम लोगों को फ्री राशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े बल्कि नौकरी के लिए लाइन में लगना पड़े, इसके लिए मोदी को हटाओ देश बचाओ, क्या कहते हैं सर? कहने का मतलब है मोदी जी के, एक सेकेंड, मोदी सरकार के पास रहने के लिए घर है तो वही ना, बाहर जो आदमी बाहर है उनको घर देंगे, लेकिन विपक्ष के पास तो कोई सरकारें नहीं है, कोई घर नहीं, तो को क्या उपलायन देंगे, इसलिए मोदी सरकार पास सभी व्यवस्था है और सभी रोजगार है। एक लास्ट सवाल है कि महागठबंधन, हाँ जी जी आपको भी बोलिए, मोदी जी जो है 40 लाख पक्का मकान दिए हैं जी, उसके साथ साथ राम जन्मभूमि का मामला खत्म करके मंदिर का निर्माण कराए हैं, इस तरह से हमें पूरा विश्वास है कि बिहार को रोजगार भी इस बार मिलेगा पूरा बम पर, और जनता खुश होगी, इसलिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं।
क्या बात है, हाजीपुर में चिराग पासवान और रामविलास पासवान को जानते हैं। जो लोग बोलते हैं कि चिराग पासवान बाहरी है, सुल्तानपुर में चिराग पासवान जी का घर है, और कोई भी चार साल से देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी यहाँ लगे हुए हैं, और वो जो शिवचंदर राम है आज तक कभी क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं दिए है। राजा पकड़ में खुद वो कभी राजा पकड़ से लड़ते हैं, कभी पातेपुर भाग जाते हैं, कभी उनका कोई स्थान ही नहीं। लेकिन एगो सबसे बड़ा जो चिराग पासवान जी पर विपक्ष जो निशाना साधा है कि जमुई चोर हाजीपुर छोर, ऐसा नारा जो है विपक्ष लगा रहे हैं। सीधा सीधी जो है चिराग पासवान जी को बोला गया है कि जमुई चोर हाजीपुर छोर, ऐसा बोला गया, क्या कहते हैं उस विपक्षी को आप लोग? विपक्ष को हम कहना चाहते हैं जो चिराग जी का जो ये माननीय स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी का जो ये धरती है हाजीपुर, और अभी उनको देखने के लिए अभी कोई नेता है, उनका सुपुत्र तैयार हो चुके हैं, वो देखे जो हाजीपुर हमारे बाबू जी का कर्मभूमि है, तो उसको हम संभालेंगे। जमुई तो हम संभालने, लेकिन हम संभाल चुके पाँच साल, अब हमको हाजीपुर की कर्मभूमि को संभालना है। इसके लिए क्या कहना है, जो चोर बोल रहा है कि जो चिराग पासवान जी जो चोर है उसको क्या बोल रहे हैं? उनको पता नहीं है, चिराग पासवान को चोर बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है? अरे विपक्ष, विपक्ष नहीं, विपक्ष बोला है, विपक्ष बोला है कि जमुई चोर हाजीपुर छोर, विपक्ष बोल रहा है इसको। खुद तो खुद चोर है, घोटाला करता है, घोटाला में जानते हैं कि कितना वो लोग किए है। कौन चोर है, कौन चोर है? आलू यादव चोर है, कौन चोर है? आलू यादव कैसे चोर है? चोर है आरजेडी चोर, टोटल कांग्रेसी चोर, उसके गठबंधन का सब के सब चोर, सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने जिंदगी के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए जीता है, देश के नाम पर खाली बोला। भाई का होवे नहीं किया था, हमर हिंदू भाई का होगा। आज 75 साल से कांग्रेस का राज है, वो बोलता था कि राम मंदिर क्यों बना हॉस्पिटल, 75 साल वो कहाँ थे, न मंदिर बना न हॉस्पिटल बना, खाली हिंदू मुसलमान में दंगा कराने का काम किया है। आज राघोपुर में, आज वो अयोध्या में हॉस्पिटल की बात करता है, राघोपुर में क्यों नहीं 15 साल उनके मम्मी पापा सरकार में रहे, वो अभी कहते हैं कि हम थे। राघोपुर में न एक डिग्री कॉलेज है न हॉस्पिटल है, आप बताइए वहाँ की लड़की नहीं पढ़ेगी जो 15,000-10,000 के महीना कमाता होगा, वो कहां से पटना पढ़ाएगा बच्चा का, कहां से उसको नौकरी होगा? तो चलिए एक ज्यादा ज्यादा वो लास्ट सवाल पूछ लेंगे। अगले साल विधानसभा का चुनाव है, यानी कि हमारे बिहार का मुख्यमंत्री का चुनाव है, क्या लगता है आपको अगले साल जो चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाना चाहिए? चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद। मतलब मुख्यमंत्री बोल रहा है कि तेजस्वी यादव बनेंगे, तो उनको नहीं बनाना? नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव, टैलेंटेड है, नौकरी दे रहा है, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं अपना बहुत सारे नौकरी, विश्वास है, बाबू जी से कहने दिलवा दिए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कह रहे चिल्ला चिल्ला के कि हम 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दिए। मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार था। वो भी है, वो भी है। आज तो राम मंदिर किसने बनाया है? मैंने मोदी हम की बना दिया, बनवा दिया कि ना, बताइए। 17 महीने के सरकार में लालगंज के राकेश पासवान की मर्डर, मुजफ्फरपुर में मर्डर, नालंदा जिला में मर्डर, बेगूसराय में गोलीकांड, लखीसराय में सराय में दिन दहाड़े अमिताभ कुमार नाम एक पुलिस कर्मी को गोली मार गया था, लखीसराय में गोलीकांड, सोना कांड, लूट कांड, 17 महीना में यही हुआ। 17 महीना में जो तेजस्वी यादव जी वो नौकरी नहीं दिए हैं? 17 महीना में सत्रह का उद्योग चला है मर्डर का, इसलिए बाबूजी नौकरी देने के समय कहाँ गए थे? ये तो अभी ये बताइए, नौकरी दे रहे हैं मुख्यमंत्री, बाबू तो नौकरी देने में फट रहा था हमको, तू अपना विभाग में ना नौकरी देते, अपना विभाग में दिए नहीं तो नीतीश कुमार 2020 में दिए थे, इसलिए अरे नीतीश यहाँ जो है लालटेन मुझेगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, लालटेन बुझेगा, बुझेगा। हाजीपुर से लालटेन फूट रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। सवाल है जो लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं होगा और बिजली से मोबाइल चार्ज होगा, इसलिए मोदी सरकार फिर एक बार लालटेन जल ही कहा रहा है, लालटेन जलता तब वो लालटेन जीतता, खत्म हो गया, अब लालटेन का जमाना खत्म है, तेल खत्म हो गया, तेल का जमाना जब्त हो गया, और अब वो छोटा चीज वोट देता बुआ, लालटेन का जमाना खत्म हो गया, हेलीकॉप्टर का जमाना आया, तो तुम वोट देगा बुआ? अभी तो हम छोटे हैं, मम्मी पापा देंगे ना, इनको देंगे बीजेपी,
चिराग पासवान को। चलिए कोई बात नहीं, चिराग पासवान जी के फैन है। दोस्तों हम थे अभी हाजीपुर के कुतुबपुर के फील्ड में, एकारा गांव में, और यहां पर मोदी जी का एकदम ऐसा जनसैलाब उमड़ा है जो हम बताए क्या आपको खुद दिख ही रहा होगा। और यहां के हर एक लोग का कहना है कि हाजीपुर से सिर्फ माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं और इस बार लालटेन फूटेगा, यानी कि शिव चंद्र राम जी का जमानत जब्त होगा जैसा चाचा जी बताए, और चिराग पासवान जी हेलीकॉप्टर लेकर उड़ जाएंगे, मतलब कि जीत जाएंगे। आप देख रहे थे द बिट्टू सिंह, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप पीछे कैमरे के पीछे राम कुमार, जय बिहार जय हिंद।